story time. मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। Hey kids, my name is Flash. I am an octopus. मैं एक ऑक्टोपस हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे लेगी बुलाते हैं। जानना चाहोगे क्यों? बिकॉज आई हैव 8 लेग्स एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी हेडी। हेडी भी बुलाते हैं मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स बिकॉज आई हैव अ बिग बिग हेड। इतना बड़ा सिर जो है मेरा, मुझे तो जान लिया आपने। अब कुछ बातें मेरे घर के बारे में हो जाए। चलिए, लेट्स सी द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सी। मैं आपको समुद्र की जादुई दुनिया की बातें बताता हूं। समुद्र मेरा घर है। मैं सी के बॉटम में पानी में रहता हूं। बिल्कुल आपके जैसे मेरी दुनिया भी बहुत कलरफुल और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग ओशन में डाइविंग करते हैं। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। कभी कभी तो हम सी एनिमल्स आप लोगों को देखकर डर जाते हैं, फिर भी हम खुद को बचाने के लिए ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पता है, हम एक्वाटिक एनिमल्स, समुद्री जानवर, हम भी यह जानते हैं कि आप ह्यूमंस को भी डर लगता है। इतना कुछ आपके बारे में हमने पढ़ा जो है। यस, वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। घूम गए ना? नाउ डोंट बी सरप्राइज्ड, हमारी भी स्कूल्स होती हैं। वी हैव टीचर्स टू, बिल्कुल आपके जैसे। एंड आई लव गोइंग टू स्कूल। बताओ क्यों? रीसेस में मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इंजॉय करते हैं। उप्स, मेरे फ्रेंड्स, उनके बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। लाविया, लाविया इज अ जेलीफिश। लाविया इज वेरी इंटेलिजेंट और वह बहुत केयरिंग भी है। ट्रोजन, ट्रोजन इज ए सी हॉर्स। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल ऑफ अस। वह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके डर से हम फ्रेंड्स को कोई परेशान नहीं करता, नॉट इवन द सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। एंड स्टारी, स्टारी भी हमारा फ्रेंड है। Starry is a starfish. He is the funniest of all of us. Starry इतना फनी है कि क्या बताऊं? वह खुद तो इतना छोटा स्टारफिश है, लेकिन मोटे मोटे ग्लास वाला बड़ा सा चश्मा पहनता है और अक्सर अपना चश्मा घर पर ही भूल जाता है। एक बार तो घर पर चश्मा भूल कर हमारे साथ स्टारी मैजिक लाइब्रेरी चला गया। जब मिस टर्टल वहां की लाइब्रेरियन अपने डेस्क पर नहीं थी, तो स्टारी ने उनका चश्मा पहन लिया। उसे सब उल्टा पुल्टा दिखने लगा। छोटी चीजें बड़ी दिखने लगी और बड़ी चीजें छोटी दिखने लगी। पतला मोटा दिखने लगा और मोटा पतला दिखने लगा। इतना मजा आया
वी लाफ्ड सो मच. अच्छा आगे सुनो क्या हुआ. तभी मिस टर्टल वहां पर आ गई और उन्होंने स्टारी को इतना डांटा कि दो दिन तक वह मैजिक लाइब्रेरी गया ही नहीं. उप्स, व्हाट डिड आई डू? मैंने आपको मैजिक लाइब्रेरी के बारे में बता दिया. दिस वॉज सपोज टू बी अ सीक्रेट. हम सी एनिमल्स नहीं चाहते कि ह्यूमंस को हमारी लाइब्रेरी के बारे में पता चले. आपके पास तो पहले से ही इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं. एंड वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी. प्लीज प्लीज फ्रेंड्स कीप दिस अ सीक्रेट. ओके मैं आपको थोड़ी बहुत और बातें बता देता हूँ लाइब्रेरी के बारे में. बट प्रॉमिस हाँ यू विल नॉट टेल दिस टू एनीबडी. आप किसी को नहीं बताएंगे इसके बारे में. हमारी लाइब्रेरी सी में एक स्पेशल प्लेस में है. उस स्पेशल प्लेस का नाम है द हाइड्रा सिटी और हमारी लाइब्रेरी हाइड्रा सिटी में ही है. दिस मैजिक लाइब्रेरी हैज 5 फ्लोर्स और यह ग्लास की एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको मिस्टर शार्क गार्ड करते हैं. मिस्टर शार्क को तो देखा होगा ना आपने. मिस्टर शार्क हैज वेरी बिग शार्प एंड ट्रायंगुलर टीथ. एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ हिम. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर शार्क भी किसी से डरते हैं. कैन यू गैस? यस इट इज ब्लू व्हेल. मिस्टर शार्क ब्लू व्हेल से डरते हैं. ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल और वो भी सी में ही रहता है. अरे हम भी कहां ब्लू व्हेल की बातों में खो गए. चलिए लाइब्रेरी के बारे में बताता हूं. अच्छा आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि ह्यूमंस जब डाइविंग करने के लिए सी में आते हैं तो उन्हें यह लाइब्रेरी क्यों नहीं दिखती है. सवाल तो अच्छा है. अभी बताता हूँ. वो इसलिए क्योंकि ये एक मैजिक लाइब्रेरी है. हमें इसे प्रोटेक्ट करना है इसीलिए ये सिर्फ सी एनिमल्स को ही दिखती है. एंड ओनली वी कैन यूज इट. और मिस टर्टल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ की लाइब्रेरियन है. मिस टर्टल वैसे तो उनकी आईज बहुत स्मॉल है पर उनके चश्मे के बारे में तो पूछो मत. शी वेयर्स बिग ग्लासेस. शी लव स्टोरी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात मिस टर्टल का घर भी लाइब्रेरी में ही है. कितनी लकी है ना वो. बड़े होकर मैं भी मिस टर्टल की तरह एक लाइब्रेरियन ही बनूंगा. बड़ा मजा आएगा. पता है हमारी लाइब्रेरी में कितनी टाइप्स की बुक्स हैं? मैं बताता हूँ. एक तो रेगुलर बुक्स जैसी आप स्कूल में पढ़ते हैं. Then we have talking audio books. Name से ही समझ आ गया ना. जब आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप रीडिंग नहीं करना चाहते. टॉकिंग ऑडियो बुक्स आपको बुक्स पढ़कर सुनाती हैं. स्टारी मोस्टली चूजेस दीज बुक्स. देन वी हैव मूवी बुक्स. नो नो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये बुक्स मूवीज के बारे में नहीं होती हैं. बुक्स का कंटेंट आपके सामने मूवी की तरह प्ले होता है. एंड यस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैजिक लाइब्रेरी इज द एनीवेयर डोर. यहां पर एक एनीवेयर डोर है. हाँ बिल्कुल डोरेमोन की तरह. जब आप कोई बुक फिनिश कर लेते हैं एनीवेयर डोर आपको उसी प्लेस में ले जाता है जिसके बारे में आपने बुक में पढ़ा है. ट्रोजन
लव्स द एनीवेयर डोर। एक बार क्या हुआ, ट्रोजन एनीवेयर डोर में गई और बहुत बहुत देर तक वापस नहीं आई। फिर लाविया ने देखा कि जो बुक ट्रोजन रीड कर रही थी वह बुक का पार्ट वन था, जिसमें टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट टू लिखा था। फिर लाविया ने बुक का पार्ट टू फिनिश किया। देन शी वेंट टू ट्रोजन थ्रू द एनीवेयर डोर। तब दोनों साथ में वापस आए। है ना मजेदार बात। Do you know what books I like? I like regular books. जैसी आप पढ़ते हैं। जब मेरा मन करे मैं रुककर सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ। I love reading books. मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलने से ज्यादा अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो है रीडिंग। उप्स, बहुत देर हो गई, मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। वैसे हमारी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। आई विश कि आप भी कभी अंडर वाटर डाइविंग सीख कर सी में आए, तब हम और भी बहुत सारी स्टोरीज शेयर करेंगे। बाय फ्रेंड्स।